इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेल से बाहर केजरीवाल पर कोई रोक टोक नहीं होगी। शादान फरासत, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में किया, उन्होंने बोला है कि बोलने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 जून तक लागू है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, उन्हें चुनावी प्रचार के लिए जमानत मिली है। वो क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं कैंपेन में, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है और ये 2 जून तक पूरा का पूरा ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो ये 2 जून को आप सरेंडर करेंगे कि क्या होगा? देखिए, अभी जो ऑर्डर कह रहा है वो 2 जून के तक के लिए है। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द इंटरिम रिलीज ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल अंटिल 2nd ऑफ जून and there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today as the oral order was being pronounced really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order. And since we have not seen it and the entire order was not pronounced, I am not in a position to comment any further on that.